हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है, वो अदीम और बुलंद है, साहिब जलाल व इकराम और साहिब कमाल है। सुबह शाम हमद का सजावार है, उसका हुक्म फ़ैसला और हिकमत है, और उससे रजामंद होना अमन और रहमत है। वो अपने इल्म से फ़ैसला करता और अपनी बुर्दवारी से माफ़ करता है। उसके हर लेने और देने पर हम उसकी हमद बयान करते हैं, और उसके आजमाने और आफियत देने पर उसकी हमद बयान करते हैं। सिर्फ उसी के लिए हमद है कि उसने हमें न मुर्दा बनाया और न बीमार, और न हमारी रगों को कोई तकलीफ़ पहुँची, न हमारी जड़ कटी, न हम अपने दीन से फिरे, न अपने रब के मुनकिर हुए, और न अपने ईमान से घबराए, और न हम कबल की उम्मतों की मानिंद अजाब दिए गए। हम उसकी हमद बयान करते हैं कि उसने हमें अपना मुतीउ और फरमाबरदार बंदा बनाया। उस पर हमारी कोई हुज्जत नहीं, और सिवाय उसके दिए हुए किसी चीज़ को पाने की कोई ताकत हम नहीं रखते। न हम किसी चीज़ से बच सकते हैं सिवाय उसके जिससे वो बचाए। हम उसकी आजमाइश पर उसकी उसी तरह हमद बयान करते हैं जिस तरह उसकी नेमतों पर करते हैं। उसके लिए ज़मीन व आसमान के बराबर हमद है। अहले मजदो सना के जितनी वो चाहे उतनी हमद है। ये सबसे हक बात है जो बंदे ने कही, और हम सब उसके बंदे हैं। जो वो अता करे उससे रोकने वाला कोई नहीं, और जिससे वो महरूम करे उसे देने वाला कोई नहीं, और उसके मुकाबले किसी की कुछ नहीं चलती। हम उससे उसकी मगफरत तलब करते हैं जिसका उसके इल्म ने अहाता किया है, और जिसे उसने अपनी किताब में लिख रखा है। ऐसा इल्म जो कासिर नहीं, और ऐसी किताब जो किसी चीज़ को छोड़ने वाली नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदा और उसके रसूल हैं। दो ऐसी गवाहियाँ जो कौल व अमल को उठाती हैं, और जिस पलड़े में रखी जाती हैं वो हल्का नहीं पड़ता, और जिस पलड़े से उठाई जाती हैं वो भारी नहीं होता। दुरूद व सलाम नाजिल हो आप पर, आपकी तैयब ताहिर आल पर, मोमिनों की माएँ आपकी बीवियों पर, रोशन व बाबरकत आपके असहाब पर, और जो दुरुस्त तरीके से उनकी पैरवी करें उन पर ता कयामत, और बहुत ज़्यादा सलामती हो। अम्मा बाद, लोगों में आपको और ख़ुद को बंदों के रब अल्लाह के तकवा की वसीयत करता हूँ। तकवा दिल के लिए सुतून है, और साबित कदमी के लिए खम्बा है। इससे कभी कोई मुस्लिम बेनियाज नहीं हो सकता। तकवा मुसलमान का नूर, उसका दोस्त, और क़यामत के दिन के लिए उसका तोशा है। अल्लाह ताला का फरमान है, तुम में से हर एक वहाँ ज़रूर वारिद होने वाला है। ये तेरे परवरदिगार के ज़िम्मे क़ती फ़ैसल शुदा अमर है। फिर हम
परहेजगारों को तो बचा लेंगे और नाफरमानों को उसी में घुटनों के बल गिरा हुआ छोड़ देंगे। मुसलमानों, आप पर बाबरकत माह रमज़ान अपने वक्त पर साया फगन हो चुका है, उससे ताखीर नहीं हुई है और न ही उसके ज़माने का वक्त कोता हुआ है। तुम्हारे पास मेहमान अपनी शक्लो सूरत में आ चुका है, लेकिन इस मेहमान के इस्तकबाल करने वालों का हाल आज ऐसा नहीं है जैसा पहले था। ये मेहमान आज उनके पास उस बड़ी आफत बला के बीच आया है जिसने उनकी खुशगवारी को गदला कर दिया है, उनके खौफ को बढ़ा दिया है, उनके ऊपर इस्तराब गम के बादल छा गए हैं और उनके दिलों को अपने कब्जे में ले लिया है, यहाँ तक कि वो ऐसे हो गए हैं जैसे उनके सरों पर चिड़िया बैठी हो। यह मेहमान उनके पास इस हालत में आया है जिसे बड़ों ने पहले नहीं देखा और जिसके बारे में छोटों ने सुना नहीं था। एक ऐसी वबाई मुसीबत है जो उनके और उनकी मानूस इबादत, काम, मईशत और सफर व हजर के बीच हायल है। यह महीना उनके पास उस वक्त आया है जब वो अपने आंसुओं के पोंछने, अपनी परागंदगी को संवारने, अपनी कुव्वत के इकट्ठा करने, बंद चीज़ों को खोलने, गिरे हुए को उठाने, मुंतशिर को जमा करने और कटे हुए को जोड़ने के बहुत ज़्यादा हाजतमंद हैं। वो अपने इस महीने के मेहमान की तरफ देख रहे हैं और हालत यह है कि जैसे वो शोलों से ज़्यादा गर्म किसी चीज़ पर हों ताकि वो इस महीना को जिक्र, इबादत, सदका और तौबा का महीना बना लें। वो अपने रब से बेइसरार दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इसके ज़रिए मुसीबत को उठा ले और जो उन्होंने खोया है उसका नेमुल बदल अता कर दे और उन्हें जो मुसीबत पहुँची है उसे उनके लिए पाकी और दर्जात में बुलंदी का ज़रिया बना दे और आने वाली दुनियावी ज़िंदगी में जो कुछ आगे पीछे होना है उसके लिए इबरत व नसीहत बना दे और जो वो लेंगे और छोड़ेंगे उसके लिए नसीहत बना दे। वो मोमिन के हाल को जहन में रख रहे हैं कि अगर उसे खुशहाली पहुँचे तो शुक्र अदा करता है और ये उसके लिए खैर होता है और अगर तंगी पहुँचे तो सब्र करता है और ये उसके लिए खैर होता है ताकि उसके बाद वो खुशखबरी, अल्लाह की तरफ से रहमत और हिदायत से हमकिनार हों। अल्लाह ताला का फरमान है, और उन सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए जिन्हें जब कोई मुसीबत आती है तो कह दिया करते हैं कि हम तो खुद अल्लाह ताला की मिल्कियत हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं, उन पर उनके रब की नवाजिशें और रहमतें हैं और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। इमाम इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, दिल में परागंदगी होती है जिसे सिर्फ़ अल्लाह के हुजूर तवज्जो और इकबाल से ही संवारा जा सकता है और इसमें वहशत पाई जाती है जिसे सिर्फ़ खलवत में अल्लाह का उंसी जायल कर सकता है और उस पर हुजूर मलाल होता है जिसे उसकी मार्फत और उसके साथ सच्चे बर्ताव की खुशी ही ख़त्म कर सकती है और उसमें बेचैनी पाई जाती है जिसे सिर्फ़ अल्लाह के हुजूर जाकर और उसकी पनाह लेकर ही चैन व सुकून में बदला जा सकता है। इमाम इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह की बात ख़त्म हुई। हम अल्लाह की खूब खूब पाकीज़ा हम बयान करते हैं कि उसने जो कुछ नाजिल किया उसे हमारी दीन में मुसीबत ना बनाया, इसलिए कि तमाम मुसीबतों को झेला जा सकता है सिवाय उस मुसीबत के जो दीन में हो। और हदीस में आया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से ये दुआ भी थी, अल्लाह मेरी मुसीबत मेरे दीन में ना बना। इसे तबरानी वगैरह ने रवायत किया है। हाँ ए मुसलमानों, हम अल्लाह की हमद बयान करते हैं कि उसने इस वबा को हमारे दीन, इबादत और अखलाक में नहीं रखा। जहाँ तक माल की बात है तो माल तो आने जाने वाली चीज़ है और अल्लाह जिसके लिए अपने बंदों में से चाहता है रिस्क को कुशादा करता है और तंग करता है। और जहाँ तक सेहत की बात है तो सेहत कभी अच्छी रहती है और कभी बिगड़ जाती है। इंसान को सेहत के सिलसिले में मसाइल का सामना रहता ही है। जो ज़िंदगी गुजारेगा वो मुसीबत से खाली नहीं रह सकता और बहुत कम ऐसा होता है कि वो अजीब व गरीब चीज़ों से दूर रहे, इसलिए कि हर चीज़, हर वो चीज़ जो ईज़ा पहुंचाती है गरचे के कम हो दर्दनाक होती है और रात उस पर कितनी दराज होती है जो सोता नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई तकान, मरज़, गम, परेशानी, अजियत और दुख मुसलमान को पहुंचता है, यहाँ तक कि अगर कोई कांटा भी चुभता है तो अल्लाह उसके ज़रिए उसके गुनाहों में से मिटा देता है। मुत्तफ़क़ुन अलैह। अल्लाह के बंदो, ये बड़ी बला जो आज हमारी दुनिया पर नाजिल हुई है उसे सिर्फ़ और सिर्फ बुराई ही मत समझिए, बल्कि इसके अंदर हमारे लिए बहुत सी इबरतें और असबाक हैं। इस वबा से पहले हम ये सबक नहीं सीख सकते थे बावजूद हमारे इस ईमान के कि हमारे आका अल्लाह ने हमें दिया ज़्यादा है और लिया कम है। इस वबा ने जो चीज़ें सिखाई हैं उनमें से मुआशरों की सलामती में आगही का असर है, इसलिए कि अगर तसरुफात में आगही को मोहतम बिशान कर लें तो हम नागहानी हादसातों मसायब के साथ तआमुल में इंशाअल्लाह नाकाम नहीं होंगे, इसलिए कि आगही के ज़रिए ही हम में से एक जानता है कि कब निगाह उठानी है और कब गिरानी है और इसी के ज़रिए वो
जानता है कि ख़तरों को वाक़ होने से पहले दफ़ा करने की मसलहत क्या है, और ये कि ख़तरों के वक़ूअ से पहले उन्हें दफ़ा कर देना उनके वक़ूअ के बाद रफ़ा करने से बहुत बेहतर है। पता चला कि जो अपनी आगही में तौफीक याब हो वह अपने एहतियात में तौफीक याब होगा और बुहरानों के बैन सतूर को बेहतर तरीके से पढ़ सकेगा और फिर उसकी तदबीर में कामयाब हो सकेगा और उससे कम से कम ज़ख्म और नुकसान के साथ निकल सकेगा। इसलिए कि आगही और एहतियात सिर्फ सुनने और देखने से आगे की चीज़ हैं, इसलिए कि हर वो आदमी जो देखता है ज़रूरी नहीं कि वो देख रही चीज़ की आगही भी रखता और उससे बचता भी है, और नहीं हर सुनने वाला ऐसा होता है। इस वबा ने हमें जो चीज़ें सिखाई हैं उनमें से ये भी है कि इंसान दरहकीकत बहुत सी ज़ेब व ज़ीनत के सामानों के बग़ैर भी जी सकता है जिन्हें वो ज़रूरी समझता था, और ये को अपनी ज़िंदगी में बचा कर रखने के मफहूम और अपनी कमाई में बेहतर तसर्रुफ़ से बड़ी गफलत में था। अल्लाह के बंदो, इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि इस जैसी वबा उसे गफलत से बेतार करेगी और वो अपने आने वाले दिनों में बचा कर रखने के मफहूम के मुताबिक अमल करेगा, अपनी कमाई से कुछ बचा कर रखेगा ताकि वो मुस्तकबिल के बोझ को हल्का कर सके, मबादा कोई नागहानी मुसीबत उसके दरवाज़े पर दस्तक ना दे दे या उसके घर के करीब वारिद ना हो जाए। और इसमें कोई शक नहीं कि इसके अंदर हुस्न तसर्रुफ़ पाया जाता है और रिस्क की तदबीर में महारत और अपने ख़जाना को सही सम देने की तमीज़ होती है, जिससे वो अपनी उन ज़रूरतों, हाजतों और ज़ेब व ज़ीनत की चीज़ों के बीच फ़र्क कर पाता है जिनसे वक्तन फ़ौक्तन उसका सामना होता रहता है। इसलिए कि इंसान की मईशत का मामला तब तक दुरुस्त नहीं होगा जब तक वो अपने ख़र्च तकसीम और ज़खीरा अंदोज़ी के बीच तवाज़ुन से काम ना ले, और ऐसा कैसे ना हो जबकि सही है इनकी हदीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाओ पिलाओ और बचा कर रखो। अल्लाह के बंदो, हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम इस वबा को गुजर जाने वाला सिर्फ एक तारीखी हादसा ना बनाएँ, बल्कि ज़रूरी है कि हम इससे अपने तमाम मामलों में बहुत सी इबरतें पकड़ें और सबक सीखें और हम अल्लाह के फ़ज़ल से उससे निकलें पहले से ज़्यादा कवी, बेदार और नागहानी मसायब के मुकाबले के लिए तैयार सूरत में, और ये कि हमारी कुव्वतें कमज़ोर ना पड़ें और ये वबा हम पर नौमीदी, गम और खौफ के लिहाफ़ ना डाले, और ऐसा कैसे ना हो जबकि हम अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, यौम आखरत पर और तकदीर की खैर व शर होने पर ईमान रखते हैं। अल्लाह ताला ने उम्मत मुसलमा को इस खसूसियत से नवाजा है कि उसकी आदत में से ये है कि ये बुहरानों से निकलती है पहले से ज़्यादा ताकतवर और बेदार होकर, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है कि आप उसकी अजीम कुदरत में गौर करें ताकि उसकी कमा हक़ कदर कर सकें, और ये पैगाम है कि फ़रार इख्तियार करने वाले के लिए कि वो लौट आए, गुनाहगार के लिए कि वो तौबा कर ले, फरमान के लिए कि वो फरमा बरदारी इख्तियार कर ले, इसराफ करने वाले के लिए कि वो मियाना रवि से काम ले, और पुरतायुश ज़िंदगी के लिए कि वो खुरदरी ज़िंदगी अपना ले, और इसके अलावा हिकमत नहीं देखेगा मगर वही दिल जिसे हिरस ने तफक्कुर से, दूर दराज आरजुओं ने, मुहासबे से और घमंड ने उस ज़ात के सामने तवाज़ु इख्तियार करने से रोक दिया हो जिसके हाथ में हर एक चीज़ की मिल्कियत है और जो पनाह देता है और जिसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दिया जाता। और हम अल्लाह जल्ला शानहु की हमद बयान करते हैं कि उसने हमारे मुल्क को इस वबा के दफ़ो रफ़ा की कोशिश की तौफीक बख्शी। फिर हम क़्यादत का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह उसे तौफीक याब करे उस पर जो उसने इस वबा को दूर करने के रास्तों को हमवार करने के लिए इकदामात किए। इसी तरह बग़ैर किसी इस्तिस्ना के तमाम फ़िक्रमंद लोगों का शुक्रिया हर एक का उनके मैदान में। हम तमाम की तरफ से उनके लिए दुआ कि अल्लाह उन्हें हमारी तरफ से बेहतर बदला दे, और उन्होंने जो कोशिशें सर्फ की हैं अल्लाह इस मुसीबत के बादल के छांटने में उन्हें बेहतर असबाब में से बनाए, और अल्लाह हमें, उन्हें, आपको और तमाम मुसलमान भाइयों को सेहत, सलामती और आफियत का लिबास पहनाए। हमारा रब जल्ला शानहु सबसे बेहतर मसूल है वो, और वो बहुत अच्छा मौला और बहुत अच्छा मददगार है। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए उसके एहसान पर और उसकी तौफीक व फ़ज़ल बख्शी पर उसका शुक्रिया। अम्मा बाद।
अल्लाह के बंदो, अल्लाह का तक्वा इख्तियार करो और जान रखो कि सादिक व मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब रमज़ान आता है जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को पाबंद जंजीर कर दिया जाता है। इसे बुखारी व मुस्लिम ने रिवायत किया है। अल्लाह के लिए इस महीने को गनीमत जानिए, अपने दुश्मन की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाइए, जिसके बारे में आपके रब जल्ला शानहू ने फरमाया है, याद रखो शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसे दुश्मन जानो। याद रहे कि बहुत से लोग अपने लिए शैतान की दुश्मनी को जानते हैं लेकिन वो ख़ुद को उसका दुश्मन नहीं बनाते, और ये इस बराबरी की समत वाज़े हिमाल और मुहलिक सर्द महरी है, इसलिए कि बनिए नौ इंसान और शैतान के बीच ये कशमकश और मुदाफ़ियात उन दो हकीकतों को काम में लाए बग़ैर पूरी नहीं हो सकती, और उसकी अदावत उसके इस कौल में पोशीदा है, मैं ज़रूर भी ज़रूर उनके लिए सीधी राह पर बैठूँगा। वो बंदों के सिराते मुस्तकीम पर बैठता है, उस सिराते मुस्तकीम के न किनारों पर बैठता है और न खात्मे पर और न उससे दूर बैठता है। वो उनके सामने बैठकर उन्हें रोकने पर ही बस नहीं करता बल्कि वो उनके लिए हर समत में बैठता है। अल्लाह का फरमान है, फिर उन पर हमला करूंगा उनके आगे से भी और उनके पीछे से भी और उनकी दाहिनी जानिब से भी और उनकी बाईं जानिब से भी, और आप उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाइएगा। पता चला कि जब तक मुसलमान का दिल ज़िंदगी के साथ धड़क रहा है तब तक वो शैतान के साथ जंग में है, और इस लड़ाई की कोई गर्द नहीं बैठती बल्कि ये इंसान और शैतान के बीच मुकाबला आ रही है। एक दिन इंसान का तो एक दिन शैतान का, लेकिन इन तमाम मार्कों में सबसे ज़बरदस्त और सबसे गर्म मार्का रमज़ानुल मुबारक में इंसान का शैतान के साथ मार्का है। हालांकि मुसलमान इसमें सबसे ज़्यादा कवि और शैतान सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है, इसीलिए जिससे ये मौका ज़ाय हो जाए उसके लिए मलामत हलाकत और नुकसान की वईद आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील आए और फरमाया, जिसने रमज़ान के महीने को पाया और उसकी मग़फ़रत न की गई और वो जहन्नम में दाखिल हो गया तो उस पर अल्लाह की लानत। जिब्रील ने कहा, कहिए आमीन, तो मैंने कहा आमीन। इस हदीस को इब्न खुज़ैमा ने रिवायत किया है। इसलिए इस महीने में अपनी तरफ से अल्लाह को खूब खूब कोशिश दिखाइए, और हर चंद के वबा के असबाब ने मस्जिदों में आने से रोक दिया है लेकिन यह चीज़ किसी को अपने घर में अल्लाह की इबादत से माफ़ नहीं कर सकती। तो जैसे कहा गया है कि क्या ही बुरी कौम है वो जो अल्लाह को सिर्फ़ रमज़ान में पहचानती है, इसी तरह कहा जाएगा क्या ही बुरी कौम है वो जो सिर्फ़ मस्जिदों में अल्लाह को पहचानती है, वो अपने घरों में अल्लाह को नहीं पहचानती और ना अपनी महफिलों में पहचानती है, ना बैठे हुए ना खड़े हुए और ना अपने पहलुओं के बल। इस किस्म की वबा में ये वाज़ेह होता है कि आदमी घर में इबादत का हरीस है या नहीं, इसलिए कि लोग इस महीने में इस वबा के बीच ज़्यादा फुर्सत में हैं और उनके पास ज़्यादा वक्त है कि वो उसे इबादत में लगाएँ, बल्कि उन तमाम रमज़ान का कभी कोई महीना इतनी फुर्सत के साथ नहीं गुजरा। तो अल्लाह के वास्ते इससे फ़ायदा उठाइए, इसलिए कि किसी और मसरूफियत के लिए किसी के पास कोई हुज्जत नहीं कि सवाद आज़म घरों में है, ये एक सुनहरी मौका है। तो हाय उसकी ख़राबी जो इसे ज़ाय कर दे, और हमारे लिए ये दुरुस्त नहीं कि हम कहें कि हमारे साथ तो वो पेश आ गया जिसने हमें इस बाबरकत महीने से मशगूल कर दिया, बल्कि हमारे लिए हक़ यह है कि हम कहें हमारे साथ वो पेश आया है जिसके लिए हम फारिग बैठे हैं। और ये अजीम मौका है कि जब लोग में हैं कि वो इस महीने को अल्लाह के जिक्र और इबादत से ज़िंदा करें, इसलिए कि जिसका गुमान ये हो कि अल्लाह की इबादत सिर्फ मस्जिदों में हो सकती है उसने अल्लाह की शान में कोताही की है और उसके साथ सुएज़न से काम लिया है, बल्कि घरों में नफरत